अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ओप्पो मोबाइल्स जो मीडिया टेक में आते हैं उनको कैसे फ्लैश करते हैं, जिसके लिए हमें उसकी एक फर्मवेयर की फ़ाइल मिलती है जो OFP के फॉर्मेट में होती है। सबसे पहले हम उस फर्मवेयर को इस छोटे से टूल के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हमने आप लोगों का टाइम, जो कि बहुत कीमती है, ज़ाया नहीं करना, टूल को ओपन करना है। और फर्स्ट पे जो आपको 3 डॉट का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने ओप्पो के फर्मवेयर की जो मेन फ़ाइल है, बड़ी फ़ाइल होगी OFP की, उसको लोड करना है। और जो दूसरा ऊपर सेक्शन है, 3 डॉट का बटन है, यहाँ पे वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने फर्मवेयर को सेव रखना है। अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा फर्मवेयर के नाम से, और इसको नेम देते हैं फर्मवेयर का। और फिर इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके यस कर दूँगा। और अभी मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, तो जो फर्मवेयर की एक्सट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये कुछ वक्त लगाएगा, तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं दूसरे सेटअप की जानब। तो अभी इसको मैं यहाँ पे, तो ये वैसे आपकी तरफ तो काफ़ी टाइम लगा लेगा, लेकिन यहाँ मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस तरीके की मदद से आप ओप्पो के तमाम मीडिया टैक मोबाइल्स, जैसे कि ओप्पो A83, F5, F9, F7, F11, A1K, A5S और दूसरे जो भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं, बस आपको उनकी फ़ाइल को, फर्मवेयर की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और फ्लैश कर देना है SP फ्लैश टूल की मदद से, जिसका तरीका भी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। ये तरीका आपने तब आजमाना है जब मोबाइल आपका डेड हो चुका हो या सॉफ्टवेयर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो। और ध्यान रहे कि लॉक अगर लगा हुआ हो तो ये तरीका मत आजमाइएगा, क्योंकि लॉक आसानी से मीडिया टैक मोबाइल जो ओप्पो के हैं उनके खुल जाते हैं। उनका तरीका भी मैंने अपने चैनल के वीडियोस में ही बताया हुआ है। तमाम मोबाइल्स पे एक ही तरीका आजमाया जा सकता है। तो अभी हम सेटअप 2 की जानब जाते हैं। सेटअप 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो सबसे पहले SP फ्लैश टूल है, फर्मवेयर की फ़ाइल है जो हमने एक्सट्रैक्ट की है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने MCT बाईपास आउट टूल को ओपन करना है, जो कि मोबाइल की जो आउट सिक्योरिटी है, जो कि हम पहले करते थे, मतलब टेस्ट पॉइंट के ज़रिए उनको बाईपास करते थे, ये बिना टेस्ट पॉइंट के उसको बाईपास कर देगा। बाईपास पे क्लिक करेंगे और मोबाइल को ऑफ करके वॉल्यूम के दोनों बटन प्रेस करके कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे इसको हमने मिनिमाइज़ करना है, क्लोज नहीं करना टूल को। और ध्यान रहे, ये अपना हमारा MT के पोर्ट है। अब SP फ्लैश टूल को ओपन करना है हमने। SP फ्लैश टूल को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे अपने मोबाइल की जो DA की फ़ाइल है, वो भी आपको आसानी से गूगल से या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हर मॉडल की अपनी एक DA फ़ाइल होती है। तो DA की फ़ाइल कहाँ गई, यहाँ पे मैंने कहीं पे रखी थी इन फोल्डर्स में, ये नीचे पड़ी है मेरे, हाँ ये पड़ी है। तो DA की फ़ाइल हम लोड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, और चलें जी, ये DA की फ़ाइल है। और अब हम उस फर्मवेयर को लोड करेंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था OFP एक्सट्रैक्टर टूल की मदद से,
अब वो फर्मवेयर मैं यहाँ पे लोड करूँगा और अब मैंने जाना है ऑप्शन में। ये MTK पोर्ट याद रखना है जो डिवाइस मैनेजर में शो हो रहा है। अब कनेक्शन में जाना है और कनेक्शन में ये सामने UART नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ कॉम पोर्ट में हमने अपना जो मोबाइल कनेक्टेड है वो कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है, हमारा 47 है, और बूट रेट को हाई रखना है। इसको आप क्लोज़ कर देंगे और अब स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने मोबाइल को हरगिज़ डिसकनेक्ट नहीं करना। और ये हमारा ओप्पो के मोबाइल्स को फ्लैश करने का सिंपल सा तरीका है जो नए मॉडल्स हैं। पुराने मॉडल्स तो आसान हैं, वो हो जाते हैं, लेकिन नए मॉडल्स जो कि अब तक नामुमकिन थे और अब मुमकिन हो चुके हैं बिना किसी डिवाइस के, तो दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ख़ास बात नहीं है, आप वीडियो को इन्जॉय करें। तो मुझे अभी आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो तो चलती ही रहेगी।